नमस्कार दोस्तों, मार्केट में बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिली है। रीजन क्या थे वो डिस्कस करेंगे। जुपिटर साइकिल इस महीने के लिए कौन से रहेंगे, मंथली टॉप एंड बॉटम क्या रहेगा, एंड डब्ल्यूडीगन की ट्रेंड रिवर्सल डेट्स क्या रहेंगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं पीछे क्या हुआ। जैसे नई सीरीज स्टार्ट हुई है, कल से ही मैं बोलते आ रहा था 25,500 के नीचे जाएगा, जो कि टेलीग्राम में आप देख सकते हैं जाके, तो आपके नीचे के लेवल खुलते जाएंगे। और मॉर्निंग में भी एक उसी तरह की मिलीजुली एक्टिविटी हमको दिखाई दी। और जो इंट्राडे के वैदिक साइकिल यूट्यूब के कम्युनिटी सेक्शन में आपको लास्ट डाले थे, वो कल के दिन बताया हुआ था गैप डाउन ओपन होगा या सेल राइज होगा मॉर्निंग में, तो कल के दिन वो काफी अच्छा काम किया। अब यहाँ पे एक मैं खास नंबर आपको डिस्कस करना चाहता हूँ आगे के एनालिसिस पे बढ़ने से पहले, वो है 25,020। 25,020 का लेवल रहेगा। अगर इसके नीचे में मार्केट होल्ड करेगा मंडे के दिन, तो 200 से 400 पॉइंट की सेलिंग हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड देखने को मिलनी चाहिए। और इसके ऊपर में रहेगा तो 200 से 600 पॉइंट की बाइंग भी आसानी से मार्केट में बन जाएगी। अब देखिए, जो आज की फ्राइडे की क्लोजिंग आई है वो भी ऑलमोस्ट यहीं कहीं आई हुई है, तो मतलब क्या, जो बड़े प्लेयर्स हैं उनका मार्केट का ट्रेंड सेट नहीं है मंडे के लिए, क्योंकि आपको पता है इसराइल से रिलेटेड और जियोपॉलिटिकल जो चीजें चल रही हैं उससे थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है मार्केट में, उसको देखते हुए ये सेल ऑफ देखने को मिला। तो वीकेंड पे अगर कुछ बड़ा होगा तो मार्केट थोड़ा नीचे जाएगा, और नहीं होगा तो फिर क्या है, 25,020 का आपका फर्स्ट ट्रिगर होगा जो आपको बताएगा इसके ऊपर में हमको बायर बनना है ऑन द डे ऑफ मंडे। तो आगे हम क्या चर्चा करेंगे, तीन पॉइंट के बारे में करेंगे। वन इज जुपिटर साइकिल क्या होने वाले हैं अक्टूबर मंथ के लिए, टॉप एंड बॉटम क्या रहेंगे अक्टूबर सीरीज के लिए, जहां पे मार्केट के जो लेवल्स हैं हम अभी बनाएंगे, और आप देखेंगे 30 डेज के लिए मार्केट वहीं पे जाकर के चेक पॉइंट ले लेके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, इतने ब्यूटीफुल तरीके से एनालिसिस काम करती है। और इतना ही नहीं, ये एनालिसिस मैं अपने YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देते आ रहा हूँ। इस तरह के मैं कोई भी पेड टिप्स वगैरह रन नहीं करता हूँ, इट इज जस्ट मैं खुद भी ये यूज करता हूँ, तो वही व्यू आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ YouTube पर भी लास्ट 2 ईयर से। कि तीन चीज हो जाएंगी, ट्रेंड रिवर्सल डेट, डब्ल्यूडीगन प्रेशर डेट हो जाएंगी, जुपिटर साइकिल हो जाएंगे, मंथली टॉप एंड बॉटम हो जाएंगे। और जो फोर्थ एनालिसिस रहती है वो डायनामिक होती है, बेसिकली उसके नंबर्स चेंज होते हैं, तो वो लाइव मार्केट में टेलीग्राम के अंदर ही आपको मिल सकते हैं, क्योंकि आज अगर मैं दे दूंगा तो मंडे को फिर से लेवल चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जुपिटर साइकिल को, मार्केट अभी किधर गया, दो दो साइकिल डाउनसाइड साइकिल उसने कंप्लीट किए हैं। देखिए दोस्तों, जो अभी आपका डाउनसाइड साइकिल था जुपिटर का, हमने निफ्टी में देखा मार्केट की सेलिंग कल यहाँ से नीचे में यहाँ तक दिखाई दी, और आज में डाउनसाइड साइकिल 2 ट्रिगर हुआ था जिसकी सेलिंग हमको यहाँ से यहाँ तक दिखाई दी थी। चार्ट पे भी आप देख सकते हैं, जो आपको ये कलरफुल बॉक्सेस दिख रहे हैं, बेसिकली ये वाला और ये वाला, और डाउनसाइड साइकिल 1 है और ये 2 है, और मार्केट एग्जैक्टली यहीं के आसपास में जाकर के इसको आज साइकिल कंप्लीट किया। और आप देख सकते हैं ये एमईडी ग्रुप के अंदर में ऑलरेडी लेवल्स आपके साथ में शेयर किए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बाद में कोई भी चीज एडिटेड है। सेम वे में अगर हम बात करें किसकी, बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के साइकिल कहां से आपके दिखेंगे, ये वाले हैं डाउन साइड साइकिल आपका यहां से दिख जाएगा 1 और 2। और यही चीज जाकर के आप अगर चार्ट पे एक बार को देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने आज ये डाउनसाइड साइकिल 2 भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, यहीं पे जाकर के इसका रिफ्लेक्शन आया हुआ है। ये जो कलर है ये वही डाउनसाइड साइकिल 2 है, और यहाँ से आपका 1 ट्रिगर हुआ था। तो ये बेसिकली लेवल्स जो है हमको क्या करते हैं, हेल्प कर देते हैं कि भाई मार्केट कहाँ से जाना नीचे स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक जाएगा। इस तरह की टेंडेंसी जब हम पाते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं उन लेवल्स के बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं आपके डब्ल्यूडीगन प्रेशर डेट की, तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे अभी 15 डेज के लिए, 16 डेज के लिए ये है 3 और 4, मतलब कि कल और आज की डेट भी काफी पावरफुल थी। 2 मेथड के अंदर में 4 डेट आई हुई थी, और हमने देखा काफी ज्यादा एक पावरफुल इंपैक्ट मार्केट में देखने को मिला। तो इनको नोट करके रख लीजिए, इन डेट पे होता क्या है, या तो आपका रिवर्सल आता है या फिर एक सिग्निफिकेंट बड़ा मूव आता है जो मार्केट में कई दिन के लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अक्सर काम कर लेता है। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी टॉप एंड बॉटम, जिसके आधार पे आप क्या है अगले 30 दिन के लिए एक अनुमान लगाते रहेंगे कि मार्केट किधर साइड जाएगा, तो उनको बायर और सेलर कैसे बनके एक्ट करना है। अब ये है आपकी स्क्रीन के ऊपर में मंथली टॉप एंड बॉटम। आपको मैंने बताया हुआ था कि मार्केट जब इसके नीचे जाएगा तो दिस वॉज द फर्स्ट डाउन साइड ट्रिगर, और उसके बाद में एक एक करके नीचे के लेवल्स आपके सपोर्ट के तौर पे या फिर टारगेट के रूप में काम करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये लेवल में थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रडिक्शन आएगा कि आपका यहाँ पे 25,000 के आसपास के लेवल है और ये 25,000 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अक्टूबर मंथ के लिए आपको क्या देख के चलना है, जब इसके ऊपर में ये जो रेड नंबर है मतलब कि 564 इसके ऊपर में रहेगा तो ट्रेंड आपका अपसाइड के लिए इंटैक्ट हो जाएगा, और जब मार्केट इसके नीचे में रहेगा तो आपको सेल ऑन राइज वाली बात बनी रहेगी। तो कहने का मतलब क्या है, जब तक इसके ऊपर में मार्केट अगर अक्टूबर में होल्ड नहीं करता है तो थोड़ा सा डाउट करना है उस बाइंग पर, हो सकता है फिर से थोड़ा सा डिप आपको देखने को मिले, बट उसके मुझे चांसेस थोड़े कम लगते हैं, क्योंकि
आपका 2-3 दिन के अंदर में ही बहुत अच्छा खासा सेल ऑफ मार्केट में देखने को मिल चुका है, तो इसके ऊपर भी मार्केट थोड़ा सा हो सकता है अपर साइड में 26,000 के आसपास जाने की कोशिश करे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमको बहुत सिंपल सी बात है, इसके नीचे में मार्केट आपका जब तक रहेगा तब तक हम ज्यादा कोई बाइंग की बात नहीं करेंगे, बाइंग की बात करेंगे बट वो स्विंग कैप्चर करने की बात करेंगे, ये बात नहीं करेंगे कि सीधा मार्केट 26 जाएगा, क्योंकि अभी ओवरनाइट कुछ भी जियोपॉलिटिकल इश्यूज होंगे तो मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे चला जाएगा। तो हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लेवल के बेसिस पे ट्रिगर फाइंड करना है कि अभी हमको बायर बन के काम करना चाहिए या फिर हमको सेलर बन के काम करना चाहिए। और मैंने आपको एक चार्ट भी शेयर किया हुआ था जो जुपिटर से डेट निकाली हुई थी, जिसमें कि 3 अक्टूबर और 4 अक्टूबर आई हुई थी, और हमने देखा कल और आज मार्केट में कितना ब्यूटीफुल तरीके से सेलिंग देखने को मिली। ये चार्ट ऑलरेडी आपके साथ में एडवांस में शेयर किया गया था, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, टेलीग्राम में भी जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए ये जो वीडियो है इसके जो लेवल्स हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, इंपैक्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि मल्टीपल चीजों का यूज मैं पर्सनल अपनी एनालिसिस के लिए भी कर सकता हूं, जैसे कि अगर आपको ये मेरा मंथली एनालिसिस पसंद आ रहा हो तो हेल्पफुल वर्ड टाइप जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इस वीडियो को हाइप कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन बटन भी दबाइएगा, जिससे कि क्या है जो मेरा वीडियो आएगा जो एनालिसिस के होते हैं लेटेस्ट या फिर मैं लिमिटेड वीडियो ही डालता हूं, काफी पावरफुल डेटा रहता है, ये आपको काफी अच्छे से हेल्प कर पाता है। आने वाले दिनों में आपको थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर में भी वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि आप लोगों ने सजेस्ट किया था कुछ ऑप्शंस के ऊपर में आपके हो या थोड़ी अदर क्वेरीज को भी उसके अंदर में एंटरटेन किया जाए, तो उससे रिलेटेड भी मैं कोशिश करूंगा, जितना समय अलाउ करेगा उतना मैं वीडियो कंटेंट यूट्यूब पे डालने का कोशिश करूंगा। एडली दिस इज नॉट माय फुल टाइम प्रोफेशन, ये बस ये है कि वीकेंड पे एक शौक के लिए, डिजिटल प्रेजेंस के लिए मैं डालता हूं, बट जितना भी टाइम मैनेज हो पाएगा उतना वीडियो बढ़ाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मैं था आपका दोस्त नीतिश पाठक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।